ओके सो वी आर लाइव और शुरू करते हैं लाइव शेयर मार्केट लाइव 11 टू ट्वेल्व थर्टी आज है कल हम लाइव नहीं आने वाले हैं कल लाइव नहीं होगा ट्यूसडे से वेन्सडे से प्रॉपर लाइव शुरू हो जाएगा वापस जो कंटिन्यू रहेगा एक बार आवाज़ ऑडियो अगर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अगर कोई कन्फर्म कर सकता है चैट के अंदर तो उसे कन्फर्म कर दीजिए और आपके जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेरीज़ हो आपको पूछने हो आप पूछ सकते हो इसके अंदर जो भी आपको डाउट है क्वेरीज है स्टॉक रिलेटेड इंडेक्स रिलेटेड और कल हमने डिस्कस किया था इंडेक्स को लेके उस पर भी हम चर्चा करेंगे हमने क्या डिस्कस किया था और उसका क्या आउट out, आउटलुक निकल के आया उसका क्या आउटकम निकल के आया उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि कितना भी पॉजिटिव क्यों ना खोलें निफ्टी कितना भी पॉजिटिव क्यों ना खोले उसको आना नीचे ही है हमने टाइटल दिया था वीकली एनालिसिस के अंदर कि ये जो वीक होगा ये एक बेरिश वीक होगा थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर भी मैंने यही कहा था जितना हायर साइड देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जितना हायर साइड पे आप उसको बेचोगे उतना, उतना तो ज़्यादा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा जितना आप लोअर साइड तो पर उसको बेचोगे उतना रिस्क टू तो रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा हमने ये कहा था तो आज अच्छा मौका मिला चार सौ सौ के आसपास आपको बेचने का मौका मिला मैंने ये भी कहा था कि मंडे को खुलना ऊपर ही है उसके बाद नीचे आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा ओवरऑल अगर आज हम देखें डेली कैंडल अगर आप देखते हो तो एक बेरिश एंड कैंडल बनने की तैयारी में है अभी तक बना नहीं है हम ये कह सकते हैं कि अभी तक वो बना नहीं है बनने की तैयारी में है एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ आज अच्छा मौका मिला चार ओके ऑडियो एकदम प्रॉपर आ रहा है तो हमने कहा था कि एक बनने की तैयारी में है बना नहीं है अभी तक बेरिश एंड कैंडल इसके अंदर आपको बनता हुआ देखने को मिला नहीं है बनने की तैयारी में है लेकिन अब बनेगा नहीं बनेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक क्विक एनालिसिस कर दूँ डिस्क्लेमर आपको नीचे चल ही रहा है हम से भी रजिस्टर नहीं है तो जो भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ उसके बाद सेकेंड एडवाइस आप आपके एडवाइजर की जरूर लीजिएगा अपने खुद की एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा फिर ही कोई भी डिसीजन के ऊपर आप कंक्लूड कीजिएगा तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो अभी निफ्टी अगर पिछले 15 पौने घंटे की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन कर रहा है अगर आपने नोट किया होगा तो ऐसा सेम कंसोलिडेशन निफ्टी ने थर्सडे के दिन भी किया था थर्सडे के दिन भी एक्सपायरी वाले दिन जिस दिन निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुला था उस दिन भी निफ्टी ने ऐसा सेम एक कंसोलिडेशन किया था और फिर कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने एक हायर साइड का ब्रेकआउट दिया था अब अगर हम बात करें तो निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है लोअर साइड पर चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की बाजू एक अपना ब्रेकडाउन दे देवे और इस लेवल को ब्रेक करे आपको शॉर्ट कब जाना है अग, अब ऑलरेडी देखिए हमारा टारगेट तो अचीव हो गया हमने कहा था कि ऊपर खोलेगा लेकिन फिर नीचे आता हुआ आपको निफ्टी देखने को मिलेगा इवेंचुअली आपको निफ्टी नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन अब शॉर्ट कहाँ पर करना है अब ये शॉर्टिंग के लिए लेवल्स कहाँ पर निकल के आएंगे शॉर्ट आपको फ्रेश शॉर्ट अगर अभी किसी ने नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दिया था और जो हमारे ग्रुप के अंदर है क्लासेस वाले जो हमारे ग्रुप के अंदर है उनके साथ भी हमने शेयर कर दिया था तो अगर हम अगर हम अभी बात करें शॉर्ट अगर आपको करना है तो आपको करना है टू के नीचे अगर आपको क्लोजिंग टू ट्वेंटी फाइव के नीचे मिले पंद्रह मिनट के कैंडल की क्लोजिंग आपको टू ट्वेंटी फाइव के नीचे की मिले तो आप टू फिफ्टी के स्टॉप लॉस के साथ ही पच्चीस पॉइंट का ही स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा नहीं होगा सिर्फ पच्चीस एक पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा वही स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट कर देना है और आपका जो पहला टारगेट निकल के आएगा निफ्टी के अंदर वो निकल के आना चाहिए करीब करीब टू का वन का और फिर सेकेंड टारगेट निकल के आएगा सीधा वन के आसपास के आसपास ये तीन टारगेट आपको निफ्टी में और आज के दिन लोअर साइड पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं हायर साइड पे हायर साइड पे अगर 250 के ऊपर अगर क्लोज करे 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल 250 के ऊपर अगर क्लोज करे तो आप बाय कर सकते हो टू ट्वेंटी फाइव के स्टॉप लॉस के साथ और पहला और आपका एक छोटा टारगेट होगा टू सेवेंटी फाइव और थ्री हंड्रेड इसके ऊपर मैं अभी देखता नहीं हूँ तो आज के लिए निफ्टी अब या तो पचास एक पॉइंट ऊपर या तो पचास एक पॉइंट नीचे आपको ज़्यादा वो देखने को मिल सकता है उससे ज़्यादा का मूव मैंने निफ्टी के अंदर देख नहीं रहा हूँ कि पचास पॉइंट से ज्यादा का मूव हायर साइड पर या पचास पॉइंट से ज़्यादा का मूव लोअर साइड पर आपको देखने को मिले तो आज ओवरऑल अगर अभी जो कैंडल्स बन रहे हैं जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है ओवरऑल अगर 250 के ऊपर निकलता है तो वो आपको 275, 300 तक लेके जा सकता है और अगर ये 300 के टू uh, फिफ्टी के 225 के नीचे निकलता है तो ये ओवरऑल आपको फिर वापस टू टू हंड्रेड वन एट्टी और 150 के आसपास तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है ठीक है कुछ स्टॉक क्वेरीज uh, उससे पहले बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी की अगर हम एनालिसिस कर ले तो बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं कैसा है बैंक निफ्टी लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी देखिए जो जो हमने कल डिस्कस किया था थर्सडे के दिन फ्राइडे के दिन जो हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर और डेली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर सेम वैसा ही होता हुआ देखने को मिला है बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन हुआ है बैंक निफ्टी अगर आपको वापस कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड के आसपास मिले तो वहाँ पर एक अच्छा शॉटिंग बन सकता है अभी लॉन्ग अगर किसी को करना है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहो तो एक लॉन्ग कर सकते हो लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में है इसके लिए मैं कह रहा हूँ बाकी लॉन्ग दिख नहीं रहा है चार्ट के ऊपर क्योंकि तो आपका सिर्फ सत्तर पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर के बाजू आपको सौ डेढ़ सौ पॉइंट का टारगेट मिल रहा है इसके लिए मैं कह रहा हूँ बाकी एज पर चार्ट लॉन्ग दिख नहीं रहा है शॉर्ट अभी इस लेवल पर नहीं शॉर्ट होगा थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड के आसपास और आपका स्टॉप लॉस होगा थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड का थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड का आपका शॉर्ट बनेगा थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड का आपका स्टॉप लॉस होगा ये इसने मिस कर दिया जो ऑलरेडी शॉर्ट शौ, पोजिशन के अंदर है वो अपना ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस 36400 के ऊपर पहला टारगेट हमारा हिट हो गया है सेकेंड टारगेट आपका निकल के आएगा 35 सेवन हंड्रेड के आसपास एट हंड्रेड के आसपास ये आपका एक बड़ा टारगेट है थर्टी सिक्स थाउजेंड और थर्टी फाइव एट हंड्रेड ये दो टारगेट्स और आ सकते हैं नीचे की बाजू लेकिन फ्रेश फ्रेश शॉट शॉट अब इस लेवल पे नहीं बनेगा थर्टी सिक्स के, के आसपास मिले तो सौ पॉइंट के स्टॉप लॉस थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड के स्टॉप लॉस के साथ आप एक पुल बैक के अंदर शॉर्ट कर सकते हो फ्रेश शॉट इन लेवल्स पे थोड़ा सा नहीं बनता ओके okay. और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन अगर आपके है तो आप पूछ सकते हो Uh, कुछ कुछ स्टॉक क्वेरीज़ भी आ रही हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या स्टॉक क्वेरीज आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं तो लेट्स चेक uh, और क्या स्टॉक क्वेरीज आ रहे हैं एच डी एफ़ सी बैंक ओके एच डी एफ सी बैंक बैंक निफ्टी मैंने कहा था देखिए यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है थ्री हंड्रेड तक का किसी को प्ले करना है तो वन इस टू वन का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बन रहा है अगर करना है तो लेकिन एक्चुअल uh, कोई पुल बैक ऐसे कोई बहुत बड़ा पुल बैक नहीं दिखता एच डी एफ़ सी बैंक की अगर हम बात करें तो ये रहा है एच डी एफ सी बैंक लेट्स चेक एच डी एफ सी बैंक ऑल्सो एच डी एफ सी बैंक लुक्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी पे है अगर एच डी एफ सी बैंक में ब्रेकआउट आता है तो एक रिवर्सल आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर फोर्टीन नाइनटी ये लेवल देखिएगा फोर्टीन नाइन्टी के ऊपर अगर पंद्रह मिनट का चार्ट क्लोज करता है तो एक ब्रेकआउट होगा एच डी बैंक के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है पुल बैक आया है नीचे से काफ़ी अच्छा पुल बैक आया है एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और वो ब्रेकआउट लेवल भी है अगर ब्रेक होता है फ़ोटीन नाइनटी का लेवल तो फिर बैंक निफ्टी भी थोड़ा और ऊपर और निफ्टी भी थोड़ा और ऊपर आ सकता है वापस मतलब एक कंसोलिडेशन वाले जोन में आ सकता है अगर वो ब्रेक होता है तो फिफ्टीन आपका पहला टारगेट होगा और फिफ्टीन के बाद सीधा फिफ्टीन टेन ये दूसरा टारगेट आपका निकल के आएगा यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है तो आज का लो आपका पहला टारगेट होगा और अगर आज का लो निकलता है तो आप एक से दो दिन के लिए शॉर्ट जा सकते हो आपका पहला टारगेट होगा फोर्टीन सिक्सटी का फोर्टीन फिफ्टी फोरटीन सिक्सटी का लेकिन अगर उसके लिए आज का लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है अभी फोर्टीन नाइनटी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट जोन भी है अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव एच बैंक के अंदर ऊपर के बाजू दस से बीस पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है रिलायंस रिलायंस भी देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ओके लेट्स चेक रिलायंस रिलायंस में आ, आ, एक इनसाइड कैंडल बना था उसका ब्रेकआउट हुआ है आज एक और इंसाइड कैंडल बन रहा है अगर आज एक और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होना है एज़ पर चार्ट अगर क्योंकि देखिए ऑपरेटर्स को भी पता है कि इनसाइड कैंडल बनता है तो काफ़ी सारे लोगों का ध्यान आ जाता है स्टॉक के ऊपर और फिर उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो अगर मार्केट uh, मेकरस को इसको इनसाइड कैंडल नहीं बनाना है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है 2500 तक के स्टॉक आज ही के दिन जा, जाना चाहिए अगर एक इनसाइड कैंडल बनाने से रोकना है तो वरना अगर एक इनसाइड कैंडल बनेगा तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप uh, अच्छा एक ट्रेड आपको मिल सकता है बीस पचास पॉइंट का मिल सकता है तो आप फ्यूचर में या कॉल पुट के अंदर उसको ट्रेड कर सकते हो देखना होगा आज का कल का हाई थर्सडे का हाई ट्वेंटी फोर नाइन्टी फोर के आसपास का थर्सडे का हाई है वो निकलता है कि नहीं निकलता है और तो लो निकलता है कि नहीं निकलता है अगर इसी के बीच में कहीं ना कहीं रह जाता है तो कल आपको एक अच्छा मूव रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है बी ओके okay. काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा है बी के ऊपर देखिए बी में आज स्प्लिट हुआ है अगर आपके पास एक शेयर थे तो अब आपके पास टोटल में तीन शेयर आ गए हैं अगर आपके पास एक शेयर थे तो टोटल में अभी आपके पास तीन शेयर आ गए स्प्लिट सॉरी बोनस मिला है बी के अंदर तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं और प्लस आप प्रॉफिट में हो अगर देखा जाए तो ट्वेंटी के आसपास का क्लोजिंग प्राइस था तो ट्वेंटी हंड्रेड के आसपास का क्लोजिंग प्राइस था तो उसको अगर आप डिवाइड करते हो तीन से तो ट्वेंटी हेट हंड्रेड अगर आप डिवाइड करोगे थ्री से तो आपका करीब करीब निकल के आएगा नाइन थर्टी थ्री का एवरेज एक शेयर का प्राइस निकल के आएगा क्योंकि अभी आपको और दो मिलने वाले हैं तो टोटल आपके पास तीन शेयर हो गए तो नाइन थर्टी थ्री के ऊपर अगर शेयर आज ट्रेड कर रहा है तो आप एक्चुअल में प्रॉफिट में अभी अ नाइन सेवेंटी फाइव चल रहा है तो नाइन सेवेंटी फाइव माइनस नाइन थर्टी थ्री अगर हम बात करें तो चालीस रुपया पर शेयर यानी एक सौ बीस रुपये प्रॉफिट में आप चल रहे हो तीन शेयर के हिसाब से एक सौ बीस रुपये प्रॉफिट में आप चल रहे हो मैं अगर खाली एक शेयर की अगर बात करूँ अगर आपके पास पोस्ट बोनस था तो अब आपके पास तीन शेयर आ गए हैं तो आप प्रॉफिट में हो लॉस में नहीं हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अच्छे खासे प्रॉफिट में हो मैं कहूँगा इनफैक्ट नेक्स्ट uh, इज़ आई आर सी टी सी लेट्स चेक आई आर सी टी सी निफ्टी बैंक निफ्टी को वापस हम एनालिसिस करेंगे एक बार आ, लाइव ख़त्म करते टाइम आई आर सी टी सी में एक ब्रेकडाउन हुआ था अब ऊपर की बाजू आ रहा है आई आर सी टी सी मैंने जब ये छः हज़ार था था दर से गिर के जब ये साढ़े पाँच हज़ार पे आया था तभी मैंने कहा था कि अगर ये छः हज़ार का लेवल एक साल में आ गया तो आप अपने आप को मेहरबान समझिएगा अब आने वाला है नहीं ये लेवल जल्दी से अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस के आसपास आकर खड़ा है 790 से 800 एक स्ट्रांग स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है इसको निकलेगा पार करेगा तो 800 से 900 के बीच में काफ़ी बड़ी सप्लाई मिलेगी तो काफ़ी बड़ी सप्लाई मिलेगी उसको पूरे वो तो सप्लाई को उसको पचाना पड़ेगा अब मतलब अगर आप मैं सिंपल एक चीज़ कह सकता हूँ कि एट के बाद उसको नए हाई बनाने तक यानी बारह सौ के हाई बनाने तक सप्लाई की भरमार है अगर वो सारे सप्लाई अब्जॉर्ब होते हैं तो जाके ये न्यू हाई बनाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है पहले तो 800 से 900 के बीच में काफ़ी सप्लाई है क्यों क्योंकि क्यों ऑलरेडी क्यों तीन तीन साढ़े तीन चार महीना यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया ब्रेकडाउन की वजह से अब लोग फंस चुके हैं अब जैसे जैसे जिनके जो भाव आएंगे वो निकलेंगे फिर नौ के ऊपर जाएगा तो जो बहुत पुराने लोग फंसे हुए हैं पाँच हज़ार छः हज़ार के लेवल वाले वो निकलने की कोशिश करेंगे तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है ये स्टॉक के लिए न्यू हाइस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाने वाला है सेल लेट्स चेक सेल स्टील अथॉरिटी सेल uh, चेक कर लेते हैं लेट्स चेक सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया सेल की अगर हम बात करें तो 99 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस uh, आपको मिलेगा इसके अंदर एक सो... पाँच के आसपास 105 एक रेजिस्टेंस जोन है अभी फिलहाल के लिए 105 तक ये जा सकता है अगर मेडल सेक्टर में एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस आती है तो ये 105 106 तक ये वापस जा सकता है वहाँ पर जाके उसको रिव्यू करना पड़ेगा नीचे के बाजू एक स्ट्रॉग सपोर्ट निकल के आएगा नाइन्टी का लेवल तो वन एस का आप एक ट्रेड बन सकता है सेल के अंदर और कोई खास ट्रेड अभी इसके अंदर फिलहाल दिख नहीं रहा है एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी लाइफ काफ़ी लोगों का डाउट है एच डी एफ सी लाइफ लेट्स चेक एच डी एफ सी लाइफ देखिए एच डी एफ सी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है ट्वेंटी ट्वेंटी के जो प्री कोविड हाइस थे उसके भी नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है फंडामेंटली uh, स्ट्रॉन्ग है अभी भी मुझे अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू लगता है लेकिन ये एक एच ग्रुप की कंपनी है तो थोड़ा सा इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है और मिलना भी ही चाहिए अच्छी कंपनी है फिलहाल के लिए नीचे के लिए एक अच्छा सपोर्ट के आसपास खड़ा है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 480। ये ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस आपका होगा 480 का तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ आप इन्वेस्ट इसके अंदर कर सकते हो थोड़ा सा अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू है पहला और एक अच्छा टारगेट आपका बनेगा फाइव टी का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ये अगर निकलेगा तो आपको सीधा साढ़े छः सौ के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा है स्टॉप लॉस नज़दीक है 480 एट्टी एकमोश्त स्टॉप लॉस होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर किसी का व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का है तो इसके अंदर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए रोज ग्यारह से साढ़े बारह हम इधर लाइव आते हैं शेयर मार्केट लाइव और कल नहीं होगा ट्यूजडे के दिन वेनजे से ही कंटिन्यू होगा डेली मार्केट डेज के अंदर और नेक्स्ट स्टॉक इज टी सी एस टी सी एस का बायबैक के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन है इस स्टॉक को लेके अभी फिलहाल की बात करें जिनका बाईबैक में है उनको तो टेंशन की कोई बात नहीं है वापिस कभी ये स्टॉक 3400 के आसपास मिले तो एक अच्छा बाय बनता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से एक अच्छा बाय बनता है 3400 के आसपास एक अच्छा बाय निकल के आता है अभी फ़िलहाल के लिए आप इसके अंदर एक एस शुरू कर सकते हो कि किसी को बाय करना है लमसम मैं नहीं कहूँगा कि आप लमसम डाल दीजिए एस अगर किसी को स्टार्ट करनी है तो वो इधर एस स्टार्ट कर सकता है और उसे कंटिन्यू कर सकता है नेक्स्ट इज इन्फ़ी इन्फ़ी के अंदर फ्राइडे uh, के दिन एक काफ़ी खतरनाक मूव आया था इन्फोसिस के अंदर uh, अचानक से तीन परसेंट गिर गया पंद्रह ही मिनट के अंदर तीन तीन परसेंट इन्फ़ी जैसा स्टॉक गिरना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है इसका मतलब किसी ने अच्छी खासी सेलिंग की है वहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है इन्फोसिस के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए इन्फोसिस एक डबल टॉप फॉर्मेशन के आसपास काम कर रहा है और कंसॉलिटेशन uh, के बाद एक ब्रेकआउट मिला वापस रेजिस्टेंस के आसपास आकर खड़ा है एक बार हम थोड़ा इसमें वॉल्यूम चेक कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई थी अगर मेरे को इतना याद है कि वॉल्यूम बेस्ड आपको सेलिंग इन्फोसिस के अंदर होती हुई देखने को मिली थी थर्सडे uh, के दिन uh, देखिए थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई थी अब फ्रेश बाय तो नहीं बनेगा इन्फोसिस के अंदर ट्रेडर के लिए मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए एस आई पी कंटिन्यू रख सकते हो इन्फोसिस के अंदर ट्रेडिंग परपज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश बाय अब नहीं बनेगा जब तक थर्सडे का हाई निकल ले जाता थर्सडे का हाई निकलेगा तो वो एक, एक इंडिकेशन होगा कि सारा सप्लाई जो था वो अब्ज़ॉर्ब हो गया है अब वो सप्लाई अब्जॉर्ब अब मुझे लगता है कि ये ये जो हाई बना है थर्सडे का अब मुझे ये ऐसा मेरा एनालिसिस है कि ये इसके रिजल्ट के पहले तो ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि अब इसको ट्रिगर चाहिए जिस वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग हुई है अब एक ट्रिगर चाहिए एक काफ़ी अच्छी बाइंग चाहिए तो जाके थर्सडे के हाई को निकलेगा और जब अगर थर्सडे के हाईस निकलते हैं तो ट्रेडिंग के लिए ठीक होगा बाइंग के लिए बाइंग साइड के लिए जब तक के लिए आप एवरी राइस पे सेल कर सकते हो थर्सडे के हाई के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रिगर चाहिए और वो मुझे लगता है रिजल्ट्स ही होंगे अगर आने हैं तो क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं इन्फोसिस के तब मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रिगर की तरह वो एक्ट कर सकता है बोनस शेयर कब तक क्रेडिट होंगे बी के क्योंकि बोनस शेयर यूजुअली आपको आ... एक हफ्ते से डेढ़ हफ़्ते के बीच में आपके डिमार्ट अकाउंट में आ जाने चाहिए तो आज एक बोनस हुआ है तो अभी आपको फिलहाल एक ही शेयर दिखा रहा होगा और आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा लॉस दिखा रहा होगा लेकिन वो सेटल हो जाएगा जैसे ही आपके बोनस शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे वो लॉस भी सेटल हो जाएगा आपके शेयर की क्वानिटी भी सेटल हो जाएगी अगर आपके पास दस शेयर्स थे तो टोटल तो अब आपके पास तीस शेयर्स हो जाएंगे बीस शेयर्स और क्रेडिट हो जाएंगे तो आपकी एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगी और आपका जो लॉस है वो भी सेटल हो जाएगा और आपका क्वान्टिटी भी है वो भी सेटल हो जाएगी तो एक से डेढ़ हफ्ता मेरे को मैक्सिमम प्रोसेस टाइम जाता है इसके अंदर टाइम लगना नहीं चाहिए निफ्टी ऑप्शन के अंदर बेस्ट स्ट्रैटेजी देखिए बेस्ट कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको ऑप्शन खास करके बायर हो सेलर हो तो कोई टेंशन नहीं है बायर हो तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा इन द मनी मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन द मनी जाइए जितना आप इन द मनी जाओगे आपका व्यू अगर सही है देखिए लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन द मनी के अंदर आपका पॉकेट साइज के हिसाब से लॉस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और इन द मनी मैं मिनिमम कहूँगा कि निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट दूर का अगर आपका व्यू बुलिश है तो 400 से 500 पॉइंट नीचे का कॉल खरीदिए अगर आपका व्यू बेरिश है तो 400 से 500 पॉइंट ऊपर का पुट खरीदिए एवरेज आपका एक लॉट आएगा 25 से तीस हज़ार रुपये के अंदर uh, अगर आप 400 से 500 पॉइंट ऊपर या नीचे का खरीदते हो लेकिन अगर आपका व्यू सही होगा तो आप कमाओगे इसमें टाइम डिग के नहीं होगा क्योंकि 400 से 500 पॉइंट अगर आप ऊपर नीचे जाते हो निफ्टी के स्पॉट प्राइस से तो आपको एज़ इट इज़ एक फ्यूचर मिल जाता है अगर आप निफ्टी का नेकेड फ्यूचर खरीदने जाओगे तो एक लाख दस हज़ार के आसपास का आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा एक लाख दस हज़ार रुपये आपके पास अगर अकाउंट में है तो आप निफ्टी का नेट फ्यूचर खरीद सकते हो और फ्यूचर में भी आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे रहता है तो उसके अंदर भी आपको प्रीमियम का ऊपर नीचे होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है और प्रॉपर टारगेट कई बार नहीं मिलते हैं तो अगर आपको फ्यूचर नहीं बाय करना है और एक फ्यूचर के प्राइस में अगर आपको चार फ्यूचर जैसा खरीदना है तो मैं तो ये कहूँगा कि पाँच सौ पॉइंट दूर का कॉल या पुट खरीदिए पच्चीस हज़ार रुपये आपका नेट कॉस्टिंग आएगा पच्चीस से तीस हज़ार रुपये आपका नेट नेट कॉस्टिंग आएगा और वहाँ पर आपको एक फ्यूचर के बराबर का एक कॉल या पुट मिल जाएगा और हर एक पॉइंट के ऊपर आपको जैसे फ्यूचर के अंदर एक पॉइंट के ऊपर फिफ्टी रुपीज़ का प्रॉफिट फिफ्टी रुपीज़ का लॉस होता है वैसे ही उस कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर भी पचास रुपये का प्रॉफिट पचास रुपये का लॉस होगा तो वहाँ पे आपका व्यू भी अगर सही रहा सौ पॉइंट भी अगर आपका व्यू सही है कि मेरा यहाँ से अभी समझो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं कोई अभी यहाँ पे कोई कॉल या पुट का वो मैंने कह रहा अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्रह दो सौ पचास के आसपास निफ्टी चल रहा है मेरा यहाँ से व्यू है कि निफ्टी सत्रह तीन सौ चला जाएगा एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरा व्यू ये नहीं है अगर सत्रह तीन सौ चला जाएगा और तो पच्चीस पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ सतराह दो सौ पचास का दो सौ पच्चीस का तो ये अगर मैं ऐट द मनी खरीदूंगा या आउट ऑफ द मनी खरीदूंगा तो मेरे को स्टॉप लॉस डिसाइड करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी टारगेट डिसाइड करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी और अगर थोड़ा सा मार्केट साइडवाइज होकर मेरे टारगेट की तरफ चाहता है तो मुझे लॉस भी होगा तो इसके लिए मैं 500 पॉइंट नीचे का कॉल ख़रीद लूँगा यानी सत्रह सात सौ सत्रह आठ सौ का मैं कॉल खरीद लूँगा वहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है 50 पॉइंट का टारगेट रखना है दैट्स दट और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा डायरेक्टली अगर निफ्टी सत्रह दो सो पच्चीस पाते हैं पॉइंट का लॉस होगा जो कि करीब करीब 1500 सौ दो के आसपास का होगा लॉस और अगर निफ्टी सत्रह तीन के आसपास का जाता है तो पचास पॉइंट ढाई हज़ार ढाई का पर कॉल ऑप्शन के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो ऐसे अगर आप काफ़ी इन द मनी करोगे तो आपको टारगेट भी अच्छे से मिलेंगे स्टॉप लॉस भी अच्छे से मिलेंगे आपका व्यू क्लियर रहेगा आपको पता है कि स्पॉट के हिसाब से आपका टारगेट क्या है स्टॉप लॉस क्या है तो आप स्पॉट को खेल सकते हो इसके अंदर ना कि आप अगर एट द मनी और या आउट ऑफ द मनी खरीगे तो उसमें आप स्पॉट प्राइस के साथ खेल नहीं सकते उसमें आपको फिर टाइम uh, डी का इशू हो जाता है उसमें थिएटर डी हो जाता है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं नेक्स्ट uh, इज डाबर डाबर पे किसी का डाउट है डाबर फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स डाबर के अंदर लेट्स चेक डाबर इंडिया uh, डाबर की अगर हम बात करें तो डाबर फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस के आसपास डाबर का एक रेजिस्टेंस है 570 570 एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग रेजिस्टेंस डाबर का निकल के आ रहा है एक रेजिस्टेंस है 570 पार करे तो ये ऊपर की जर्नी अपने शुरू कर सकता है नीचे के बाजू तो एक सपोर्ट है फाइव थर्टी का तो एक जोन के अंदर है अगर फाइव सेवेंटी पार होता है तो आपको ये सिक्स हंड्रेड फाइव नाइन्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास ज्यादा हुआ देखने को मिल सकता है फिलहाल एक जोन के अंदर है तो अभी फिलहाल के लिए कोई इसके अंदर ट्रेड बनता नहीं है वॉल्यूम भी काफ़ी कम है तो एज पर वॉल्यूम्स भी इसमें कोई खास ट्रेड निकल के आ नहीं रहा है एक्सिस एक्सिस चेक कर लेते हैं एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी पे किसी ने व्यू बोला है कि सर अभी इमीडिएटली चेक करिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी भी उससे पहले एक्सिस बैंक चेक करें तो एक्सिस बैंक ने एक बुलिश एंगलफिंग कैंडल बनाई है डेली बेसिस के ऊपर बाइंग uh, अभी फ़िलहाल के लिए थर्सडे के हाइज के ऊपर ही बनेगी थर्सडे का हाइज जब तक नहीं निकलता इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनेगी काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है आज के दिन अभी फ़िलहाल के लिए बात करें नीचे की बाजू अगर वीक होता है मार्केट तो एक्सिस बैंक उसको लीड कर सकता है एक्सिस उस वीकनेस को लीड कर सकता है जैसे एच अगर ऊपर जाता है तो लीड कर सकता है वैसे ही एक्सिस बैंक अगर नीचे आता है तो लीड कर सकता है और एक्सिस का टारगेट सेवन ट्वेंटी का निकल के आएगा अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो एक्सिस बैंक उसको लीड कर सकता है बैंक निफ्टी लेट्स चेक बैंक निफ्टी आल्सो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए किसने कहा इमीडिएट बेसिस पे चेक कीज इमीडिएट बेसिस पे 200 पॉइंट नीचे है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी 37300 के आसपास है 225 के आसपास है अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर Uh, मैंने कहा था सत्रह तीन सौ एक अच्छा रेजिस्टेंस होने देखिए सत्रह तीन सौ का हमारा टारगेट अचीव हुआ यानी अगर किसी ने भी पंद्रह मिनट पहले ही बाय किया था तो सौ पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ सत्रह तीन सौ मैंने कहा था शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो सत्रह चार सौ के स्टॉप लॉस के साथ अब सत्रह दो सौ के आसपास ही वापस आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सत्रह तीन सौ के आसपास लेके आई है अभी ताकि आपका नेट कॉस्ट में एग्जिट हो अगर अगर आपका एस एल हिट भी होता है तो लॉस ना हो टारगेट पहला टारगेट सतराह दो सौ होगा वो आता है वहाँ पे आप पार्सल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और फिर सेकंड टारगेट होगा आज का डेज लॉस सैंतीस एक सौ और सैंतीस हज़ार ये दो टारगेट और निकल के आते हैं फिलहाल के लिए सत्रह तीन सौ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है एच बैंक स्ट्रांग है तो उस पर आपको थोड़ा सा व्यू देखना पड़ेगा एच बैंक स्ट्रांग है तो एक आँख आप एच बैंक के ऊपर भी रखिए तो आप क्लियर आपको व्यू मिलेगा एच डी की बात करें तो एच अभी फिलहाल अपनी फोर हंड्रेड के आसपास चल रहा है चौबीस सौ के आसपास एच डी एफ सी आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है एच डी एफ सी के अंदर चौबीस सौ बीस एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा ऊपर की बाजू नीचे के बाजू सपोर्ट की अगर हम बात करें शॉर्टर टर्म के अंदर तो आपको सपोर्ट निकल के आएगा तेईस सौ अस्सी के आसपास ये मैं इमीजियत शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ इंट्राडे से एक से दो दिन का डेली बेसिस पर अगर हम बात करें पोजिशनली तो थर्सडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग था अब थोड़ा सा पुल बैक आया है पुलबैक के अंदर कभी अगर आपको ये वापस तेईस सौ के आसपास मिले तो एक अच्छा बाय बनता है पोजिशनली स्विंग एक अच्छा बाय बनता है ऊपर के लिए फिलहाल फ्रेश बाइंग होगी चौबीस सौ पचास के ऊपर ही उसके पहले कोई फ्रेश बाइंग नहीं निकल के आती है अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है एक सपोर्ट है छोटा सा वो है करीब करीब तेईस सौ नब्बे के आसपास एक सपोर्ट जोन के आसपास ही खड़ा है यहाँ से सात रुपये नीचे एक सपोर्ट है तो अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा और ये आपको वीक होता हुआ मिल सकता है सिंटेक्स uh, सिंटेक्स में देखिए जीरो uh, होने वाला है ये स्टॉक सिंपल मैं आपको ये कह दूँ कि सिंटेक्स जो है वो जीरो होने वाला है तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो पहले भी मैंने मना किया था हमारे चैनल के ऊपर काफी बार डिस्कस हो गया है कि अगर किसी के पास है तो एग्जिट कर जाइए किसी के पास अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो सोचिए मत और जीरो होने वाली ये कंपनी तो जितनी भी आपकी वैल्यू है जो भी भाव पे निकलने का मौका मिले निकली है क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन आ गया है और और जो भी रिजोल्यूशन के अंदर आया है वो यही आया है कि आ, हम कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं लेकिन कंपनी की इक्विटी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं तो जो भी इक्विटी है वो नल एंड वॉइट जीरो हो जाएगी तो ये कंपनी डीलिस्ट हो जाने वाली है अभी जल्दी ही एक्सचेंज़ के ऊपर से तो अगर आपको कोई भी भाव पर निकलने का मौका मिले एटलीस्ट आप आपका जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो निकाल सकते हैं डाउ जोन्स ठीक है डाउ जोन्स पे किसी ने कहा कि एनालिसिस कीजिए ताकि अब पता चले कि डा अमेरिकन मार्केट का आगे का व्यू क्या है देखिए मैं डाउ को इतना पर्सनली ट्रैक करता नहीं हूँ तो मैं उस पर क्लियर व्यू तो आपके साथ शेयर कर नहीं सकता हूँ लेकिन जो पिछले तीन दिन का कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल निकल के आ रहा है और फ्राइडे के दिन तो काफ़ी अच्छा कैंडल है फ्राइडे के दिन तो डेज़ हाइस्ट पर जाके क्लोज हुआ है डाउ जोन्स अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्योंकि अमेरिकन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है वो मुझे नहीं आइडिया है तो मैं एज़ पर चार्ट आपके साथ कह सकता हूँ कि अभी भी थोड़ा सा मौका है डाउ जोन्स के अंदर पुल बैक का वो थर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड तक आ सकता है लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्टली थर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड आएगा नीचे के बाजू आपको अगर पुल बैक आता है तो ये वापस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा थर्टी फोर थाउजेंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो नीचे के बाजू मैक्सिमम डाउन साइड रेस्ट के सेवन हंड्रेड पॉइंट्स एज पर चार्ट और अपड अभी भी है करीब करीब यहाँ से मैं अगर मैं बात करूँ तो थाउजेंड पॉइंट का अप साइड अभी भी नज़र आ रहा है डाउ जोन्स के अंदर तो आज अगर पुल बैक आता है जिस तरीके से फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स थोड़े से वीक है तो अगर आज थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिलता है डाउ जोन्स के अंदर और थर्टी फोर थाउजेंड के आसपास जितना मिले तो वहाँ से थर्टी सिक्स थर्टी 6500 तक जा सकता है क्योंकि 700 पॉइंट का रिस्क है और 1000 पॉइंट का उसके सामने स्टॉप लॉस है टारगेट uh, है आज का अगर व्यू थोड़ा देखा जाए तो और आपका रिस्क रिवॉर्ड और फेवर में आता हुआ देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट इज बी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया टाटा मोटर्स लेट्स चेक टाटा मोटर्स ऑल्सो टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं एक मिनट हम उसको रीलोड कर लेते हैं और फिर टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं टाटा मोटर्स ओके जो ये रहा टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स फिलहाल के लिए आ, अपना जो गैप था उसके फिल कर दिया है अभी एक सपोर्ट से बाउंस लिया है अभी फिलहाल के लिए स्टॉक का काउंटर का थोड़ा सा वीक है और आज इसके लिए नेगेटिव न्यूज भी है क्योंकि मारुति जो इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी अब ईवी के अंदर उतरने वाली है ऐसा न्यूज़ आ रहा है वो भी ईवी के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने प्लान अपना प्रपोज़ किया है और कुछ एक हज़ार करोड़ का उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ईवीज के अंदर अब मारुति भी उतर रहा है तो कॉम्पटिशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन लीड पर अभी भी टाटा तार, मोटर्स है ही फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 440 एक रेजिस्टेंस होगा ये पार हो तो आप पोजिशनल बेसिस के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हो फ़िलहाल के लिए अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है 440 नीचे के बाजू सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 400 का तो सपोर्ट थोड़ा दूर है रेजिस्टेंस के नज़दीक है अगर ये पार करें 440 के ऊपर निकले तो फ्रेश बाइंग के लिए सोच सकते हो उससे पहले फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए व्यू नहीं है उससे थोड़ा अगर आप चाहो तो अवॉइड ही कर सकते हो ओके नेक्स्ट एम एन एम एम एन एम भी देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा लेट्स चेक महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वीक है आज ऑटोस के अंदर खाली मारुति स्ट्रांग है क्योंकि मारुति के अंदर एक अच्छी स्ट्रांग न्यूज़ आई है कि वो ईवी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं बाकी जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है महिंद्रा हो टाटा हाउस हो तो उनके लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता है कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाती है और उस चक्कर में महिंद्रा थोड़ा सा वीक है और टाटा मोटर्स थोड़े से वीक है क्योंकि अभी तक देखिए एक चीज़ ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल अभी एक ईवी बेस्ड पोर्टफोलियो है अगर आपका एक हज़ार करोड़ का ईवी बेस्ड पोर्टफोलियो है तो इंडिया में कौन सी कंपनी है जो ई के अंदर इन्वेस्ट करिए गिन चुनी दो तीन कंपनी है टाटा मोटर्स सबसे नंबर वन पे आती है महिंद्रा महिंद्रा आता है फिर टी आता है और थोड़ा बहुत बजाज आता है तो अगर कोई फंड है कोई फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड हाउस है जिनके पास एक हज़ार करोड़ का ई के लिए इन्वेस्टमेंट है तो अभी वो उस, उसने वो चार ही कंपनी के अंदर अलॉकेट करके रखा था तो जो हज़ार करोड़ है उसमें से उसने समझो तीन सौ करोड़ टाटा में इन्वेस्ट किया दो करोड़ महिंद्रा में किया बाकी ढाई ढाई करोड़ उसने टी और बजाज में डाला लेकिन आज जैसे मारुति ने अनाउंस किया है तो उनको डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा मौका मिल रहा है उनके पास एक और ऑप्शन निकल के आ रहा है तो थोड़ा सा वो डाइवर्सिफाई करने के लिए तीन करोड़ में से पचास करोड़ टाटा मोटर्स में से निकाल लेंगे ढाई दो सौ करोड़ महिंद्रा में से बीस करोड़ महिंद्रा वाले में से निकाल लेंगे टू व्हीलर्स में से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो सब जगह से देखिए फंड तो उतना ही है फंड तो ज़्यादा एलोकेट करेंगे नहीं वो क्योंकि ऑलरेडी हज़ार करोड़ कर दिया है तो अब वो फंड तो उतना ही है तो थोड़ा सा बाकी स्टॉक्स में से निकाल के डायवर्सिफाई करने के लिए एम महिंदा उसमें मारुति में भी डाल देंगे तो उनका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सीफाई हो जाएगा रिस्क भी कम हो जाएगी क्योंकि अभी तक जो चार स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रखा था अभी पाँचवा स्टॉक आ गया तो वहाँ पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया रिस्क कम हो गया और आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स भी आ गए तो इस चक्कर में क्या होता है कि बाकी जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं जैसे ईवी के बाकी जो स्टॉक्स हैं महिंद्रा हो गया टाटाज हो गया उनमें आपको थोड़ा सा एक वीकनेस देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ से थोड़े से फंड्स निकल के अब मारुति में भी शिफ्ट होंगे क्योंकि अभी तक फिलहाल मारुति में लोग इन्वेस्ट ईवी के लिए अगर पर्टिकुलर किसी को इन्वेस्ट करना था तो मारुति को नहीं देख रहा था क्योंकि मारुति का प्लान ही नहीं था ईवी के अंदर लेकिन अभी जैसे प्लान आया है मारुति का तो वो थोड़ा सा मारुति की तरफ भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं आ, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन तो ये था टाटा मोटर्स के ऊपर व्यू तो काफ़ी लोगों ने पूछा था टाटा मोटर्स को रिलेटेड तो ये है कि टाटा मोटर्स महिंद्रा थोड़ी सी वीक रहेंगे आज और रहने भी चाहिए क्योंकि जो फंड है वो थोड़ा सा उनमें से निकल के अब मारुति में जा रहा है थोड़ा सा मारुति में शिफ्ट होगा तो आपको एक थोड़ा सा बेरिश व्यू आ, टाटा मोटर्स और एम एन मिलेगा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल रहा है अगर आपके पास पहले दो ही ऑप्शन थे तीसरा ऑप्शन भी आ रहा है तो आप यही चाहोगे ना कि मैं तीसरे ऑप्शन में भी कर इन्वेस्ट कर दूँ अब इनमें से चलने वाले तो एक दो ही है ई के अंदर एक दो ही नंबर वन बनेंगे तो अब क्या जरूरी है कि टाटा मोटर्स में आप ये गारंटी है कि नंबर वन ही बनेगा क्या पता मारुति नंबर वन हो जाए तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिला था तो इसके लिए लोगों ने अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है उस चक्कर में बाकी जो ईवी वी स्टॉक्स है वो थोड़े से वीक हो रहे हैं मारुति आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है मारुति का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार मारुति लेट्स चेक मारुति डेली हम लाइव करते हैं ग्यारह से लेकर साढ़े बारह शेयर मार्केट लाइव आप हमारे ला, यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में ज्वाइन हो सकते हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब फ्री है लाइक और सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा अब बात करें कि मारुति का स्टॉक के ऊपर तो देखिए मारुति का आज काफी ज्यादा का स्ट्रॉग है गैप बना है क्यों क्योंकि तो न्यूज़ बेस्ड है और ईवी का एक और ऑप्शन मिल गया तो अब लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है पैसे तो है नहीं ना बात तो यही आती है कि भाई पैसे तो उतना इन्वेस्ट करना है किसी फंड ने सोच रहा है कि एक हज़ार करोड़ मुझे ईवी में डालना है लोगों से एक हज़ार करोड़ रुपया उठाया है तो वो एक हज़ार करोड़ ही डालेगा अब वो खास से डालेगा अब वो थोड़ा सा मारुति के अंदर उसको इन्वेस्ट करना तो थोड़ा टाटा मोटर्स बेचेगा थोड़ा सा वो एम एन एन बेचेगा उनमें से निकाल के वो मारुति के अंदर डालेगा तो आज मारुति काफ़ी अच्छा गैप अप खुला है दो परसेंट ढाई परसेंट आज स्टॉक ऊपर है ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है आठ हज़ार एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस uh, है आठ हज़ार के ऊपर की क्लोजिंग एक अलग मूव uh, के लिए रेडी होगा फिलहाल आठ हजार के ऊपर की क्लोजिंग आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay. uh, काफी सारा डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है नेक्स्ट इज आई एक्स लेट्स चेक आई ई एक्स ऑल्सो आई ई एक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आई एक्स की अगर हम बात करें तो आई एक्स अभी फ़िलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है आ, इस जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है आई एक्स का ये जोन निकले तो आई एक्स थोड़ा सा आपको एक मूव दे सकता है फिलहाल के लिए एक ये जोन है आ, टू फिफ्टीन से लेकर टू थर्टी ये पंद्रह रुपये का जोन के अंदर आई एक्स अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है इसके बाहर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर एक फ्रेश मूव आपको आई एक्स के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है Uh, मुझे लगता है कि ऊपर की बाजू ही आनी चाहिए टू तो थर्टी के ऊपर का ही एक ब्रेकआउट मिलेगा तो टू फोर्टी सेवन टू फिफ्टी तक ये एक जाता हुआ देखने को मिल सकता है ओके नेक्स्ट इज आई पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अगला अगर हम बात करें तो अगला निकल के आ रहा है एस बी आई लाइफ लेट्स चेक एस बी आई लाइफ एस बी आई लाइफ का क्या व्यू है hmm. एस बी आई लाइफ की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बीट हुआ था अभी रिसेंट फॉल के अंदर लेकिन ये स्ट्रांग है एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर दी मोस्ट स्ट्रांगेस्ट काउंटर अभी फिलहाल के लिए एस बी आई लाइफ है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा उन uh, 1100 से थाउजेंड की जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो नाइनटी नाइन एक वन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है ये इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर निकलता है तो आज का हाई आपका पहला टारगेट होगा और फिर आपको एलेवन सिक्सटी का भी टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है ओके नेक्स्ट इज लेट्स चेक अगला क्या निकल के आ रहा है आर ई सी आर ई सी देख लेते हैं आर ई सी बोला आरईसी आर ई सी तो मतलब आर ई सी पी एफ सी काफ़ी लो बीटा स्टॉक है काफ़ी कम चलने वाले स्टॉक्स है लेट्स सी अभी किसी ने बोला ही है तो चेक कर लेते हैं लेट्स चेक आर ई सी इसको थोड़ा हम अभी के लिए एन एस सी सेलेक्ट कर देते हैं ओके आर की अगर हम बात करें तो आर फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस के आसपास आकर खड़ा हुआ है 125 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट मिले आर के अंदर तो ये आपको थाउजेंड सॉरी वन थर्टी तक आता हुआ देखने को मिल सकता है आर के लिए पाँच रुपये बढ़ना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है <laughs> इसमें ये काफ़ी छोटा टारगेट नहीं है काफ़ी बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ निफ्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है तो अभी आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही बाकी डिस्कशन हम वेनसडे को करेंगे क्योंकि आज अभी हम कल हम लाइव नहीं आ पाएंगे अगर कल टाइम मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ बाकी वेनसडे को हम इलेवन ओ क्लॉक लाइव आ जाएंगे तो आप उसमें चाहो तो ज्वाइन हो सकते हैं हो तो फिलहाल के लिए इस लाइव सेशन के इतना इतना ही जो भी ज्वाइन हो धन्यवाद मिलेंगे अगले लाइव सेशन में तब तो तक के लिए आप लाइव मार्केट इंजॉय कर सकते हो धन्यवाद